सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। तो अभी मैं आ चुका हूँ एक और नए वीडियो के साथ। तो ये है हमारा बुर्की फॉरम, जिसको जो ने इनके ऊपर इतना हमला किया, यकीन मानो कुछ तो बीमारी की वजह से ये मर गए थे और कुछ चूहे खा गए थे। चूहे यहाँ पर इतने बड़े हैं, तो यकीन मानो इनसे चूहों से बिल्लियाँ भी डरती हैं यार। यहाँ का ऐसा कोई कानून है? तो सबसे पहले यार, यहाँ पर तो हम लोग ने एक आरसी थोर में ऐसा एक रस्सी के साथ से बंद किया है, लेकिन ये बहुत ही मुश्किल से खुलता है। खैर यार, मैं इसे अभी खुला करता हूँ। खैर यार, बहुत देर के बाद मुकम्मल ये तो वो खुल चुका है। अभी यहाँ पर हम लोगों ने कुछ यहाँ पर बंद भी किया है, देसी जुगाड़ नीचे से जूनी वगैरह रख कर बंद कर दिया, और यहाँ से कुछ भी बंद कर दिया, सामान वगैरह कुछ बोतलें वगैरह भी डाल दिया सुराख के अंदर में यहाँ पर, ताकि चूहे ना जा सके। तो आज देखते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख्याल में आज तो सही होंगे, अल्लाह करम करे। बाकी यार इसको खुला करते हैं। ईंटें वगैरह यहाँ पर आज तौर में रखा हुआ है, इनको भी हटा देते हैं। आ जाओ। ये हमारे चूतों के अंदर में कुछ फ्रांसी भी हैं, कुछ केरला वाले हैं, और ऐसे मिक्स हैं, चार पांच किस्म के हैं, और देसी भी हैं उसके अंदर में। डॉग साहब के सामने वहाँ पर बहुत सारी आवाज़ें कर रही है खुला होने के लिए, वो भी इंतज़ार में है कि मुझे कब खुला करेंगे। इसके अंदर में कुछ ऐसी मुर्गे भी हैं हमारे, जैसे ये आ रही है जहाज़, और यहाँ पर आप लोग देखते हो कैट्स का बच्चा भी आ चुका है। ये सुबह सुबह अभी मुर्गियों के साथ मजाकें करते हैं। यार तुम कैसे आदमी मजाक क्यों करते हो? वो तुम्हारे साथ मजाक किया, अगर सब मुर्गियाँ एक साथ जमा हो जाए ना तो इसको पकड़ लेंगे। हाँ खैर यार, अंदर की तरफ चलता हूँ, वहाँ पर मैं देखता हूँ, अल्लाह करम करे आज सब सलामत ही हों। अल्हम्दुलिल्लाह आज तो सब सही है यार, अल्लाह के करम से आज तो बिल्कुल सही है, हर चारों साइड से सब चीज़ सही पड़ी है। आज कोई बच्चा वगैरह नहीं है, बस अल्हम्दुलिल्लाह। आज ये देखो, हम लोगों ने बहुत सारा देसी जुगाड़ किया था, जितना भी सुराख थे सब के सब बंद किए, और जाली जो है वो मैंने इसके अंदर में डबल लगा दी है। देखो यहाँ पर एक जाली है और इसके पीछे भी एक जाली है, ताकि सुराख जो है छोटे हो जाए, तो उससे चूहा जो अंदर ना आ सके। यार कोयला आप हमारे देख सकते हो सामने, बहुत मस्ती में है, लेकिन अंडे इनके किधर जा रहे हैं वो किसी को पता नहीं है यार। अभी हम लोग चलते हैं अपने डग की तरफ। डग जो है हमारी बहुत आवाज़ कर रही है। डग हमारे पास तीन थे, एक लड़का था और एक दो जो थी उसकी भाई फीमेल और मेल था, एक मेल था दो फीमेल थी। लेकिन खैर यार, मेल तो हमारा बेचारा मर गया था, लेकिन जाते जाते उन लोग उसने फीमेल को अच्छा कर दिया, वो अंडे देने के लायक हो गई थी। एक तो ये फीमेल है हमारी, लेकिन इन दोनों ने साथ में अंडे दिए, लेकिन इसने खा लिया अंडों के ऊपर। अभी जो है ये अंडों के ऊपर बैठी है माशाल्लाह, और कुछ ही दिनों तक ये बच्चे नहीं खा लेंगे अपने। नहीं बैठी रहो, बस यार इसे बैठने दे यहाँ पर। और बच्चे जो है रात वाला खाना जो यहाँ पर पड़ा था मुर्गी का, उसके ऊपर जमा हो चुके हैं। ये जो बच्चा है आपको मैं कह रहा था, केरला वाला बच्चा है ये कह रहे के हैं भाई, और इसके अंदर फ्रांसी भी हैं। ये जो आप लाल वाला ये देख रहे हो ये फ्रांसी है, और साथ में ये देसी भी है, वो सामने जा रहे हैं, काला और सफ़ेद वाला है, ये देसी हैं बच्चे। इनको आवाज़ देने पर आगे आ भी जाते हैं, लेकिन खैर ये फ़िलहाल तो भाग गए सब के सब मजरे के अंदर में, और वहाँ पर अपनी खुराक की तलाश में जा रहे हैं। ये देखो अच्छा यार, यहाँ पर अपने व्लॉग को मैं एंड करता हूँ, और उम्मीद के साथ कहता हूँ कि मेरा ये छोटा सा व्लॉग आप लोगों को बहुत सारा अच्छा लगा होगा। अगर व्लॉग अच्छा लगे तो यार व्लॉग को लाजमी से लाइक करना, और चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर देना। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, ख्याल।